फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद है हमेशा की तरह से हैप्पी हैप्पी होंगे। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई शर्ट के साथ। हमारी CMT बन रही है तो मैंने क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। ओपन शर्ट है, फ्रंट साथ ही जुड़ेगा इसका, सिर्फ फ्रंट पे इनर आएगा, बैक पे इनर नहीं आएगा। ये इसकी बैक है, ये इसके ऊपर लेस लेके की, इसकी गोन के ऊपर, ये बाजुओं के साथ पाइपिंग के साथ एडजस्ट करेंगे। ये है हमारा इनर, सिर्फ फ्रंट का, बैक का नहीं है, ये फ्रंट है और ये ओपन होगा। चलिए शुरू करते हैं, लगन हम देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इनर पर लगा लेते हैं गला, काफ़ी सारे गले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर वाली साइड से हम गोल गला बना लेंगे, बाहर और माजे का बी शेप में ओपन के साथ हो जाएगा शो। और अब लगाएंगे इसको इस तरह से सिलाई, एक ही सिलाई में हमने पहले प्रेस किया हुआ इसको। ये देखें, ये हमारा इस तरह से गला बन गया, जैसे इस तरह से। अब हम इसके नीचे वाली जो चाक है हमने वो इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। ये बस इसी तरह से यहाँ पे कट होगा चाक का, यहाँ से हम कमीज़ के साथ करके जॉइंट वहाँ से छोड़ देंगे हम इसको रफली। ये हमने नीचे से इसे कर दिया। अब हम लगाएंगे, जोड़ेंगे सारी शर्ट को। हम रखेंगे पहले लैस उल्टी वाली साइड पर, इसके ऊपर रखेंगे हम पाइपिंग इस तरह से, और इस तरह से लगाते हैं। ये इस तरह से अब हम इसको इस साइड से सिलाई लगाएंगे। कुछ हमारे बॉर्डर पे लाइनें आई हैं ब्लैक वाली और कुछ भी इस तरह से आई हैं। अभी ये जो ओपन शर्ट हमने काटी है, दो पीस काटे हैं, ये सीधी साइड है और हम इसकी उल्टी साइड पे हम लेस को लगाएंगे ऐसे करके। ये हमारा गला तैयार, और ये जो हमारा कट है यहाँ पे आके हम ये टसल लगाएंगे इधर से अंदर से ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा घूम लेंगे। नीचे वाले शर्ट पे भी हम इसी तरह से मोड़ेंगे। यहाँ पे और इसको घुमा के ऐसे, हमारे साथ बंद हो जाएंगे और इसको ऐसे घुमा के इसी तरह से हम इसको ऐसे कर लेंगे। सही अंदर वाली साइड पे आ गई है और ये सीधी साइड पे ऐसे फोल्ड हो गई। हमारी ऊपर वाली ओपन शर्ट तैयार हो जाएगी। जहाँ से मेकअप किया है वहाँ से भी कसर का कॉर्नर बना देंगे, इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो ये ऐसे इसका ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा। फिर हम इसी को पकड़ के
ऐसे कर देंगे और ये हमारा बी शेप में तैयार हो जाएगा गला ऊपर वाला। नीचे का शर्ट का हमने बनाया गोल कलर। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार होगा, ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। इसका दूसरा एंगल भी साथ इसके लग जाएगा। ओपन शर्ट होगी मेरी तैयार। अब हम इसके इनर लगाएंगे इकट्ठा, इसको सभी सिलाई करेंगे। ये रखेंगे पहले बैक, उसके बाद हम रखेंगे ये वाला हिस्सा जैसे बाजू है, और ये वाला इसके ऊपर हम रखेंगे हमने जो फ्रंट का इनर तैयार किया है ये वाला। अब तीनों को इकट्ठा करके सिलाई लगा देंगे। बैक गला करके आपको मैं हमेशा से पैंट से जाकर अच्छी कटिंग करती हूँ। ब्राइडल हो तो फिर हम पहले में आते देते हैं गला बैक का, वरना नहीं बात नहीं करते हैं। इसके साथ और ये इसके साथ इनर का गला मेरी था थोड़ा सा बड़ा और शर्ट का छोटा लिया था, तकरीबन 4 इंच का गैप है उनके अंदर। अब इसी तरह से फ्रंट के साथ इसके फ्रंट को जोड़ के यहाँ से ये आ जाएगा इसके साथ, और ये आएगा इसके साथ। यहाँ से करके बाजू लगाएंगे। जो CMT होती है उसमें गोल बाजू नहीं लगाते हैं लोग, ऐसे ही काम करते हैं। इस तरह से तैयार हुआ, ये बाजू लग गए, इनर वाला नीचे चला गया गला और ऊपर वाला ऐसे आ गया। आगे दोनों ऐसे जुड़ेंगे गले के साथ। अभी हम दूसरा बाजू भी इसी तरह से लगाते हैं। ये बाजू जुड़ गया, ये हमारी दोनों शर्ट है, ये ऊपर इनर आ गया ऊपर वाली साइड पे। ये हमने जो कट उसको दिया था हम यहाँ तक ही इसको इसके साथ शर्ट के साथ तैयार करेंगे, और बाकी नीचे से हम उसको रफली छोड़ देंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आसान भी लगी होगी। देखने में मुश्किल है मगर CMT जब बनाते हैं इसी तरह से इकट्ठे इकट्ठे पीस को पकड़ के फटाफट बनाते हैं। और ये हो गया हमारी शर्ट तैयार, अब हम सिर्फ इसका बैक रह गया। अभी हम आपको वो भी लगा के दिखाते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे एक जैसा और यहाँ से तकरीबन तकरीबन 2 इंच की कटिंग ऐसे, और इसके टेप लगाते हैं। ये इसकी एनर्जी
सिविल में होता है कि हमारी यहाँ पे भी सिलाई लगती है, मगर रेडीमेड लोग यहाँ पे सिलाई नहीं लगवाते हैं तो ना ही लगाते हैं। इसको हम करेंगे इस तरह से फोल्ड, इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पे हम बनाएंगे छोटा सा एंगल इसका और नीचे वाले इसको खींच के ऊपर वाले को लूज रखेंगे हम और इसको सीधा। अल्लाह का शुक्र हमारी कमीज हो गई है पूरी। अब हम इसको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखें जी ओपन शर्ट के साथ तैयार हुई है। बैक पे इनर नहीं है, सिर्फ फ्रंट पे लगाया है हमने।